हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू सिट्रोइन बसॉल्ट के बारे में। बसॉल्ट सिट्रोइन का ओवरऑल फिफ्थ प्रोडक्ट है इन द इंडियन मार्केट एंड ये बेस्ड है ऑन द एसयूवी कूपे डिजाइन लैंग्वेज, जो कि इसे काफी ज्यादा डिफरेंशिएटिंग लुक देता है व्हेन कंपेयर टू अदर कार्स इन द मार्केट। आज हम वॉक अराउंड में डिस्कस करेंगे कि आपको बसॉल्ट में ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, कितने वेरियंट्स में अवेलेबल होगी एंड सबसे इंपॉर्टेंटली इसका ओवरऑल प्राइस लिस्ट कितना रखा गया है। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कार के इंजन ऑप्शन एंड वेरियंट्स के बारे में। तो सिट्रोइन बसॉल्ट के साथ आपको ओवरऑल दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड सेकेंडली एक ज़्यादा पावरफुल 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं तो आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑन ऑफर है। वेरियंट्स की बात करें तो बसॉल्ट आपको प्राइमरीली तीन वेरियंट्स में अवेलेबल होगी, यू प्लस एंड मैक्स। जो वेरियंट आज हम देखने वाले हैं दैट इज द मैक्स अलॉन्ग विद टर्बो इंजन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑल्सो जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज पोलर व्हाइट अलॉन्ग विद ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन। ड्यूअल टोन के लिए आपको एक्स्ट्रा 21,000 रुपीज एडिशनल पे करने पड़ेंगे इन द मैक्स वेरिएंट। चलते हैं टुवर्ड्स द एक्सटीरियर। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के ओवरऑल मेन हेडलैम्प सेटअप के बारे में। तो मेन हेडलैम्प सेटअप में आपको देखने को मिलता है प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प यूनिट। जो एलईडी डीआरएल्स आपको सेम सिट्रोइन डिजाइन लैंग्वेज में यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको हेलोजन में यहाँ पे पीछे की तरफ प्लेस किए जाते हैं। आपको टॉप एंड विनियन में फॉग लैम्प्स भी ऑन ऑफर है लेकिन आपको हेलोजन में ही ऑफर किए जाते हैं एंड आपको सिल्वर फिनिश में स्किट प्लेट भी देखने को मिल जाती है इन द फ्रंट। सिट्रोइन का लोगो है इन द सेंटर एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन। फ्रंट से आपको काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी जो कि हमने प्रीवियसली अदर मॉडल्स में भी देखी। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 205/60R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स है। ब्लैक कलर में आपको बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है ऑन द साइड। जो डोर हैंडल्स हैं आपको सेम फ्लैप डिज़ाइन में ही देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे आप की इंसर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कार के ओवरियम्स के बारे में। तो ओवरियम्स के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ऑल्सो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर एड ऑन किया गया है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल तो है ही लेकिन अब आपको ऑटो फोल्ड का फीचर भी देखने को मिल जाता है। जैसे आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ द ड्यूअल टोन वेरियंट इसलिए आपको यहाँ पे जो रूफ है ओवरऑल ब्लैक कलर में दी गई है एंड जो शार्क फिन एंटीना है वो भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। बीइंग एन एसयूवी कूपे आपको यहाँ पे स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिल जाती है एंड आपको यहाँ पे ऑरेंज का फिनिश दिया गया है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। तो रियर से आपको मिलती है हेलोजन टेल लैम्प्स। ये आपको 3D डिज़ाइन में देखने को मिलती है ना, आपको लगेगा ये LEDs है लेकिन एक्चुअल में ये हेलोजन टेल लैम्प्स है। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन में ही देखने को मिलते हैं। बसॉल्ट की बैजिंग आपको यहाँ पे की गई है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं अलॉन्ग विद सिल्वर फिनिश में स्किट प्लेट। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। सिट्रोइन की ब्रांडिंग है इन द सेंटर एंड आपको रियर डिफॉगर देखने को मिल जाता है क्योंकि कूपेज में आपको रियर वाइपर ऑन ऑफर नहीं होता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। ऑल्सो दिस इज द टर्बो वेरिएंट इसलिए आपको यहाँ पे प्योरटेक की बैजिंग भी की जाती है। बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस आपको ओवरऑल 470 लीटर्स का देखने को मिल जाता है जो कि आपको इतना कुछ डीप इनफ है एंड काफ़ी ज़्यादा आप कार को यहाँ पे स्पेस यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। LED में बूट लैम्प भी आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड आपको हार्ड फिनिश में पार्सल ट्रे भी यहाँ पे प्लेस की गई है। जो पीछे की सीट से 60-40 स्प्लिट में नहीं आती है बेंच टाइप, इसे फोल्ड करके आप बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको एक्सटीरियर से ऑन ऑफर है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। लेट अस स्टार्ट ऑफ विद ड्राइवर साइड डोर। तो डोर पे अब आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियसली हमने अदर मॉडल्स में देखा था सिट्रोइन के आपको सिर्फ फ्रंट के दो पावर विंडो के कंट्रोल ही दिए जाते थे ड्राइवर साइड डोर पे, लेकिन अब सिट्रोइन ने आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल दे दिए, दैट इज अगेन वेरी गुड। सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल मिल जाता है। जो आर्मरेस्ट एरिया है वहाँ पे आपको लेदर रेट सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। नीचे स्पेस है बॉटल रखने के लिए, स्पीकर यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड जो ट्वीटर है आपको यहाँ पे ए पिलर पे प्लेस किया जाता है। टॉप मॉडल में आपको चार स्पीकर्स मिल जाएंगे, दो ट्वीटर्स भी अवेलेबल हैं। ऑन द डैशबोर्ड आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स प्लेस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ORM के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे रियर पावर विंडोज लॉक अनलॉक करने के लिए एंड स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो हेडलाइट लेवल है वो अभी भी आपको मैकेनिकल वे ही में ही एडजस्टेबल है, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। की मैन्युअली इंसर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको टॉप मॉडल में लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ देखने को मिलेगी। इतने कुछ फिनिश में आपको यहाँ पे लेदरेट का यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपको फिर भी फैब्रिक का यूज़ किया गया है। फ्रंट में दोनों जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाएंगे एंड सेंटर में आर्मरेस्ट भी अब आपको देखने को मिल जाता है। ऑल्सो जो ड्राइवर सीट है वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाती है। यहाँ से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन एंड आपको जो रीच है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो तीनों वे मैनुअली एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। बात करते हैं कार की के बारे में।
तब आपको यहाँ पे फोल्डेबल की देखने को मिलती है लॉक अनलॉक के बटन के साथ। सेंटर में कोई भी बटन आपको एसेस देखने को नहीं मिलता है। सिट्रेन का लोगो है ना, आपको नॉर्मल फ्लिप की ऑफर की जाती है। जो सेकेंड की है वो आपको ऐसी कुछ डिज़ाइन में ऑफर की जाएगी, फ्लिप की नहीं है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो स्टीयरिंग व्हील का जो ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज है वो एक्जैक्टली सेम है जो हमने सिट्रोएन की अदर मॉडल्स में देखा, उसमें आपको एज सच कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, राइट हैंड साइड पे सोर्स वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बेसिकली जो इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स है वो आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिलते हैं। दोनों ही कंट्रोल्स के अराउंड यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया गया है, सिट्रोएन का लोगो है इन द सेंटर, एंड ऑफकोर्स बीइंग द टॉप एंड वेरिएंट आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी ऑफर किया जाता है। अगर एडजस्टमेंट वाइज बात करें तो ये सिर्फ टिल्ट में ही एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता है। बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो हमने सिमिलर C3 एंड C3 एयरक्रॉस में देखा वही ऑफर किया जाता है। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपको सेंटर में यहाँ पे शोकेस कर देता है स्पीड कितनी है, RPM, टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल मीटर लेफ्ट हैंड साइड पे है, कार कितना चली, ये सारी आपको डिटेल्स शोकेस कर देता है। अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। जैसे आप स्क्रॉल थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रिप ए, ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, RPM मीटर शोकेस कर देता है। ऐसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको ओवरऑल 2 कलर स्कीम ऑफर की जाती है, तो इट इज़ क्वाइट कन्फिगरेबल। बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम अगेन आपको 10 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड मिलता है, हमने अदर मॉडल्स में देखा, वही सेम आपको यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड्रॉइड ऑटो ऐप का आपको वायरलेस कनेक्ट कर देगा। म्यूजिक सिस्टम में एज आई मेंशन्ड आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 ट्वीटर्स मिल जाते हैं। जो ओवरऑल यूआई है, डिस्प्ले की क्वालिटी है, दैट इज़ वेरी गुड, एंड आपको यहाँ पे सारे शॉर्टकट बटन्स देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम नॉब कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जनरल, डिस्प्ले, फ़ोन, ऑडियो, क्लॉक, व्हीकल, ये सारे आपको बेसिक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। ऑल्सो अगर आप मैनुअल बाय करते हैं तो आपको माय सिट्रोएन कनेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ऑटोमेटिक बाय करते हैं मैक्स दैट इज टॉप एंड वेरिएंट के साथ, तो आपको माय सिट्रोएन कनेक्ट विद 40 स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। तो ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में पहला डिफरेंस है। दूसरा इज एज यू कैन सी ऑन द डैशबोर्ड, आपको यहाँ पे पाइराइट फिनिश देखने को मिलती है, जो सॉर्ट ऑफ ब्रॉन्ज फिनिश है, सिट्रोएन कॉल्स इज एट पाइराइट। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलेगी। अगर आप ऑटोमेटिक बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ एश सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिलेगी, ये भी डिफरेंस आ जाएगा जो कि आपको मिलता है ऑटोमेटिक वेरिएंट में। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैन्युअली डिमिंग RVM देखने को मिल जाता है, जो केबिन लाइट है वो भी आपको हेलोजन में ऑफर की जाती है। को ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है, लेकिन ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर ना टिकट होल्डर दोनों ही देखने को नहीं मिलते हैं। AC वेंट्स जस्ट नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर एडिशन जो कि किया गया है सिट्रोएन बसॉल्ट के साथ, दैट इज अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो का बटन दिया गया है, फ्रंट रियर डिफॉगर के कंट्रोल्स है, AC आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, AC मैक्स का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर, लेट मी शो, जैसे आप ऑटो पे सेट करेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर हो जाएगा, एंड यहाँ से आप फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। जैसे मैंने डिक्रीज की तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो गया। जो ओवरऑल बटन्स की फिनिश है एंड ये जो पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच देता है व्हेन कंपेयर टू ओल्डर जो आपको कंट्रोल्स दिए जाते थे उसके कंपैरिजन में। हैजार्ड लाइट का बटन सेंटर में प्लेस किया गया है, USB आपको सॉकेट मिल जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए, एंड अगेन आपको एडिशनल स्पेस है। ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, 6-speed का मैनुअल गेयरबॉक्स है, हैंड ब्रेक भी देखने को मिल जाता है, एंड जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे स्लाइडेबल फिनिश में देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। जो ग्लव बॉक्स है आपको इतनी कुछ डीप इनफ देखने को मिल जाता है, एंड एवरीवेयर ऑन द डैशबोर्ड आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही दी गई है। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो कि आ जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट मैक्स में। ऑल्सो आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलता है, लेट मी शोकेस यू की क्वालिटी आपको कैसी मिल जाती है। दिस इज़ द क्वालिटी जो हमने अदर मॉडल्स में भी देखी, आपको डिसेंट इनफ ही देखने को मिलती है। ऑफकोर्स जो सेगमेंट है वहाँ पे आपको काफ़ी बेटर कैमराज ऑफर किए जाते हैं, तो आपको ऐसी कुछ क्वालिटी देखने को मिलती है। ऑल्सो जो डिस्प्ले एरिया है वो आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है, पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम में नहीं मिलेगा। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द फर्स्ट रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। अब हम बात करते हैं कार के सेकेंड रो के बारे में कि सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए स्पेस, कंफर्ट एंड फीचर्स वाइज ओवरऑल क्या ऑन ऑफर है। सबसे पहले आपको डोर पे पावर विंडो का कंट्रोल अब यहाँ पे प्लेस किया जाता है। प्रीवियसली हमने देखा था कि आपको अदर मॉडल्स में पावर विंडो का कंट्रोल सेंटर में प्लेस किया जाता था रियर सीट्स के लिए, लेकिन अब उसे इंस्टेड रिप्लेस करके यहाँ पे डोर पे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ अगेन वेरी गुड। जो इंटीरियर डोर हैंडल है पीछे भी आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है, आर्मरेस्ट में सॉफ्ट टच लेदर अपहोल्स्ट्री है। यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट
सीट यहाँ पे की गई है ऑन द डोर। जो पीछे की सीट से आपको सेम लेदरेट अपोल्स्ट्री में देखने को मिलती है, इतने कुछ पार्ट में आपको फैब्रिक का यूज़ किया गया है। कंफर्ट वाइज आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स है मोबाइल होल्डर के साथ। ऑल्सो जो पीछे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वहाँ पे आपको विंग शेप देखने को मिलता है, जो कि कंफर्ट में एड ऑन करेंगे। अगर आपको पीछे सेकंड रो में रेस्ट लेना हो तो ये काफ़ी कंफर्टेबल फीचर हो सकता है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए स्पेसिफिकली। सेफ्टी वाइज आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं, 3-point सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ फॉर ऑल सीट्स, दैट इज़ अगेन वेरी गुड। एक फीचर दैट इट मिसेज आउट, दैट इज़ आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट देखने को नहीं मिलती है सेकंड रो सीट में, आपको बेंच टाइप ही मिलेगी तो आपको फुल्ली फोल्ड करना पड़ेगा इसे। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज सिटवेंट बसॉल्ट की सेकंड रो कैसी है। तो माय हाइट इज 6'2" एंड जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है वो मेरा हाइट से एडजस्टेड है। इनफैक्ट जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है वो मैक्सिमम इतना ही पीछे आ सकती है, इससे पीछे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर दो टॉल हाइटेड पैसेंजर बैठेंगे ओवर 6 feet तो भी आपको यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम एंड लेग रूम ऑन ऑफर है, तो आपको उसमें एज सच कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा अगर आप दो टॉल हाइटेड पैसेंजर एक साथ बैठे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड रो में तो भी। ऑल्सो बसॉल्ट एक SUV कूप है जहाँ पे आपको स्लोपिंग रूफ ऑफर किया जाता है, तो यू माइट थिंक कि आपको हेडरूम कैसा ऑफर किया जाता है। तो फॉर योर रेफरेंस माई हाइट इज 6'2" एज आई मेंशन, तो अगर आप एक टॉल हाइटेड पैसेंजर है तो भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम ऑन ऑफर है। अगर आप एक मीडियम हाइटेड हैं या फिर आप अराउंड 6 feet है तो भी आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं, आपको एज सच कोई बड़ा इशू फेस नहीं करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हेडरूम। ऑल्सो फीचर की टर्म्स में आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं डेडिकेटेड सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए। दो USB सॉकेट्स है रियर में, एक USB है फ्रंट में, तो आपको ओवरऑल टाइप सी चार्जिंग सॉकेट पूरे केबिन में कहीं पर भी प्लेस नहीं किया जाता है। सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए सेपरेट आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है, ग्रैब हैंडल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ग्रैब हैंडल आपको राइट हैंड साइड पे भी ऑफर किया जाता है, कोट हुक नहीं है एंड आपको मैगजीन होल्डर्स दोनों ही साइड पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये था एवरीथिंग अबाउट द सेकेंड रो ऑफ द कार, वो हम चलते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन। सो ये था ऑल न्यू सिट्रोएन बसॉल्ट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज इसकी प्राइसिंग की। सो जो वेरिएंट आज हमने देखा दैट वाज द मैक्स टर्बो मैनुअल वेरिएंट, जिसकी करंट एक्सशोरूम प्राइस है एट ₹12,28,000 एक्सशोरूम इंडिया। अगर आप ऑटोमेटिक में अपग्रेड करते हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू ₹13,62,000 एक्सशोरूम इंडिया। ऑल्सो एज आई मेंशन आपको ड्यूअल टोन के लिए एक्स्ट्रा ₹21,000 पे करने पड़ेंगे, तो वो एक्सशोरूम प्राइस में एड ऑन हो जाएंगे। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये सिट्रोएन बसॉल्ट कैसी लगी, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द प्राइसिंग एंड क्या आप इसे कंसिडर करेंगे या फिर नहीं। मिलता हूं उसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन stay safe and thank you so much.